नमः शिवाय। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष बृहस्पतिवार सप्तमी तिथि दोपहर 1:30 बजे तक लगी रहेगी। तत्पश्चात अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा हस्तिनी नक्षत्र में सुबह 8 बजे तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। हस्तिनी नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर, दानी, उदार, प्रसिद्धि पाने वाले, उपकार करने वाले, धार्मिक मामलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होते हैं। ऐसे जातक मेहनती, कुशल कार्यकर्ता, व्यापारी और परिश्रम से उन्नति करने वाले होते हैं। चित्रा नक्षत्र में जन्मे जातक सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व वाले, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों और आभूषणों के प्रेमी होते हैं। ऐसे जातक अपने मन की बात को अत्यंत गुप्त रखते हैं, किसी को प्रकट नहीं होने देते। अस्पष्टवादी, साहसी, तेज दिमाग वाले, हास्यप्रिय और तर्क प्रधान मानसिकता के स्वामी होते हैं। इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता, बातचीत में चतुर, ईमानदार और उच्च अभिलाषी भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, मंगल, बुध और शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज कन्या राशि में शाम 8 बजे तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हस्तिनी नक्षत्र सिर्फ 8 बजे सुबह तक ही कायम रहेगा, तत्पश्चात चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। अतः आज के पूरे दिन का फलादेश चित्रा नक्षत्र पर ही ज़्यादा निर्भर करेगा, जिसके नक्षत्र स्वामी मंगलदेव हैं। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्य ऊर्जा को बढ़ाने वाला होगा। क्रियाशीलता और आत्मविश्वास बढ़ी रहेगी। साझेदारी के काम लाभदायक रहेंगे और कार्य क्षेत्र के निरंतर विकास की मानसिकता बनी रहेगी। धन लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर शाम तक चंद्रमा तुला राशि में चले जाएंगे, जिससे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार, उत्साह और रचनात्मक सक्रियता बढ़ी रहेगी। फिर भी मन में शंकालु प्रवृत्ति और धन हानि की आशंका बनी रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णय शाम के बाद लेना चाहिए। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए शाम का समय अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के लिए कार्य ऊर्जा में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मानसिक रूप से उग्रता बनी रहेगी। निर्णय लेने में आक्रोश और जल्दबाजी संभावित है। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए और अनावश्यक खर्च का संकेत मिलता है। हालांकि आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी, मगर पहले की चली आ रही योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी और आपका कार्य सुचारू ढंग से चलता रहेगा। साझेदारी के लिए आज का समय उपयुक्त नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ मामलों में प्रतिकूल माहौल प्रस्तुत कर सकता है। मानसिक उत्तेजना, उचित निर्णय लेने में उतार चढ़ाव और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं संभावित हैं, मगर आर्थिक लाभ में सहयोग बना रहेगा और कार्य योजनाएं पूर्ववत चलती रहेंगी। संतान संबंधी मामलों में आवश्यक संसाधनों के उद्देश्य से निवेश की स्थिति संभावित है, मगर शाम के बाद का समय कार्य ऊर्जा में ह्रास, आत्मविश्वास की कमी और भ्रमात्मक स्थिति के उतार चढ़ाव में सुधार के प्रति केंद्रित होगा। संतान संबंधी आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक सिद्ध होगा। प्रबल शारीरिक ऊर्जा और सकारात्मक मानसिक स्थिति बनी रहेगी। प्रभावशाली इच्छा शक्ति आपके हर कामों को सरल और सुविधाजनक रूप से संपन्न करने के लिए सक्षम होंगे। घर गृहस्थी संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी, मगर कुछ मामलों में भ्रम, वैचारिक मतभेद, सही निर्णय लेने में गड़बड़ी और दोषारोपण की स्थिति संभावित है। संतान संबंधी मामलों में कुछ चिंता लगी रह सकती है और अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर सावधानी अपेक्षित है। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का समय आर्थिक दृष्टिकोण से सहयोगी और सकारात्मक रूप से अधिकतर मामलों में शुभ फलदायी होगा। महत्वपूर्ण कामों में आपके रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और कार्य क्षेत्र में विकास की मानसिकता बनी रहेगी। साझेदारी के कामों में लाभ संभव है और नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव मिलते रहेंगे। आर्थिक लाभ के साथ खर्च की स्थिति भी बनी रहेगी और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। सरकारी कामों में सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। सफलता संभावित है, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए।
कन्या राशि के जातकों के लिए धन संबंधी अपेक्षाएं पूरी होंगी और अचानक धन लाभ का योग बनता है। मित्र व सहयोगियों से भी लाभ संभव है। कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और नए प्रस्ताव शामिल होंगे। साझेदारी सफल रहेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। सहोदरों से वैचारिक मतभेद, धन हानि, दोषारोपण, भ्रमात्मक स्थिति का अंदेशा बनता है, मगर संतान संबंधी सहयोग जारी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। तुला राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की सावधानियां, नेतृत्व करने की प्रवृत्ति, संबंधित मामलों में वाद विवाद और अतिरिक्त कार्यभार का संकेत मिलता है। कार्य क्षेत्र के प्रति विकास की मानसिकता और नई कार्य योजनाओं में व्यस्तता बनी रहेगी। प्रस्तावों को लागू करना और उनका प्रबंधन सुचारू ढंग से होता रहेगा, मगर आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। पारिवारिक प्रेरणा और बुजुर्गों का आशीर्वाद कामों को सरल बनाएंगे। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और साझेदारी सफल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अनावश्यक खर्च की स्थिति संभावित है। निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य क्षमता का पूरा लाभ मिलता जाएगा। आत्मविश्वास बना रहेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और साझेदारी सफल रहेगी, मगर शाम का समय नकारात्मक विचारों को जन्म देने वाला होगा। अनचाही यात्रा की संभावना बनी रहेगी और निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है। सुचारू ढंग से चल रहे कुछ कामों में अवरोध की संभावना भी बनती है और संतान संबंधी मामलों में चिंता का माहौल बना रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। कार्य ऊर्जा सकारात्मक रूप से बनी रहेगी और पूरी निष्ठा से कार्य क्षेत्र में लगे रहेंगे। नई योजनाओं के लाभकारी प्रस्ताव सामने आएंगे और यथासंभव आप उनको लागू करते जाएंगे, मगर शाम तक विचारों में अचानक परिवर्तन का दौर संभावित है। निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी, मगर शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। संतान संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। वैवाहिक प्रस्ताव सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के विकास और सुचारू ढंग से चलाते रहने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और किसी समारोह में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। आय संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा और साझेदारी के कामों में सफलता संभावित है, मगर शाम के बाद का समय दोषारोपण, कार्य क्षेत्र में अचानक गड़बड़ी या रुकावट का संकेत देता है और साझेदारी के कामों में साजिश की संभावना बनती है, मगर आपका आत्मविश्वास इन समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होंगे। अध्ययन अध्यापन में सफलता की उम्मीद बनती है। वाद विवाद से परहेज करें और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं में लाभदायक स्थिति बनी रहेगी। निजी निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा, मगर दोपहर के बाद का समय भ्रमात्मक स्थिति को जन्म देगा। उत्साह में कमी और कामों में रुकावट का संकेत मिलता है और विरोधियों से साजिश की संभावना भी बनती है। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें। विवादित मामलों से दूर रहें और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं, मानसिक तनाव, मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना और कार्य क्षेत्र में रुकावट का संकेत मिलता है। कार्य ऊर्जा में कमी और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। हालांकि आय संबंधी मामले और निजी निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा। चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र का दिन भर मिला जुला फल मिलता जाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय कल के लिए टाल दें। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखें और मानसिक शांति के लिए व्यायाम व योगा करना चाहिए। संतान संबंधी मामलों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा और अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और अधिक जोखिम वाले कामों से बचें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।